आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप जैसे हमेशा की तरह हमें अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस है उसको लेके, जो आपने जो एक निचोड़ निकाले हुए हैं और जो कुछ कुछ कहानियाँ हैं आप हमारे साथ दर्शकों के साथ वो शेयर करते हुए आए हैं, तो आज मैं जानना चाहूँगा कि आज आप क्या शेयर करना चाहते हैं। प्रिय प्राणीजन बंधुओं, जो आज मैं बताने वाला हूँ वो आपको ये बताने वाला हूँ और तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी कि रिश्तों की दुनिया क्या होती है। जैसे मेरा और आपका एक रिश्ता है, दूसरों का भी रिश्ता है, जितने लोग पृथ्वी पर आए हुए हैं कोई ना कोई किसी ना किसी का रिश्ता ज़रूर होता है। तो हम रिश्तों की दुनिया की बात करते हैं और खुल के करते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि ये सब होते क्या हैं रिश्ते। कुछ पैदाइशी होते हैं, जन्मजात होते हैं, कुछ बाद में हम बनाते हैं या समाज के तौर पे हमें बनाना पड़ता है और उन्हें पूरा समाज स्वीकार करता है, हम स्वीकार करते हैं। एक बहुत बड़ा रिश्ता है दोस्ती का। अक्सर बिल्कुल अनजान आदमी को एक आदमी दोस्त बनाता है, दोस्त का मतलब होता है उसे वो राजदार बनाता है, और उससे भी एक बड़ा रिश्ता है वो पति पत्नी का होता है। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है कि वो राजदार भी है और पूरे जीवन में उसके संघर्ष की वो साथी भी है। तो आज हम पति पत्नी के रिश्तों को लेकर बात करने वाले हैं। राइट, ठीक है, बिल्कुल आप सही समझे हो। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो सदियों से सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता माना गया है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई गाइडेंस नहीं है। पिता बेटे भाई बहन, उसमें बहुत सारी गाइडेंस है कि आपने ऐसे करना है, पिता का हमेशा से आपने सम्मान करना है, पिता को पुत्र का हमेशा अपना स्नेह रखना है। पति पत्नी क्या है कि वो बराबर के हैं, और जहाँ भी आप बराबर के होते हो तो आप दोनों ने ही अपनी अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करते हुए उस रिश्ते को निभाना होता है। हाँ, मुझे एक बड़ी अच्छी बात इसमें एक याद आई और मैं शेयर भी करूँगा। आज के युग में जब MNC का ज़माना है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वाइफ भी उतनी ही पढ़ी लिखी होती हैं, लगभग एक दूसरे बहुत लंबे समय तक साथ रहते हैं और किसी एक बात पे उनकी अनबन भी होती है। मेरा मानना तो ये है कि अनबन नहीं, पति पत्नी को ये समझना चाहिए कि वो फैमिली लाइफ की जो स्टेज होती है उसके हीरो हीरोइन हैं। यस, उस हिसाब से वो स्टूडियो में हैं, जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, वो भी अगर किचन में हैं तो समझो जो फैमिली का स्टेज है उस स्टूडियो के अंदर वो अपना काम कर रहे हैं, और जहाँ बर्तन होंगे तो वो खड़केंगे भी, कोई गिरेगा, कोई आवाज आएगी, तो उससे उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें ये पता होना चाहिए अंदर से कि वो पति पत्नी हैं। ये जो 5 मिनट का सीन है दैट इज़ नॉट फॉर एवर, हमेशा के लिए वही नहीं है। तो मैं आपसे एक बहुत अपना ही एक्सपीरियंस जो मैंने लाइफ में सीखा है, लोगों ने मुझे बताया है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। पति पत्नी थे, इसको कहानी भी समझ सकते हो, दोनों इंटेलिजेंट थे। अच्छा। और अगर मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन से दोनों पास आउट थे, किसी बात पे उनका हल्का मनमुटाव हुआ, बातचीत बंद कर दी और सो गए। अच्छा। पति को समझ में आया कि मुझे सुबह बहुत जल्दी उठ के जाना है, तो उसने एक छोटी सी चिट बनाई कि सुबह मुझे 5 बजे उठा देना, और पत्नी के तकिए के नीचे वो रख दी बड़े आराम से। अच्छा। पत्नी सोई हुई थी, कोई बात नहीं थी, सुबह उठी, उसने देखा, अक्सर तकिए के नीचे उसने देखा, अच्छा एक चिट रखी हुई है, उसने चिट को खोला, पढ़ा। अच्छा। सी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, उसने देखा कि ये मुझे कह भी सकता था तो रात को सोने से पहले। यस yes. लेकिन इसने चिट रखी है तो कोई बात नहीं। अच्छा। तो उसने भी एक चिट बनाई कि 5 बज गए और खड़े हो जाओ। अच्छा। और उसके तकिए के नीचे और उसके तकिए के नीचे रख दी। दरअसल यहीं से ही सारा ज्ञान हमारा स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं सर, उसको चिट रखने की क्या ज़रूरत थी, वो तो ऐसे ही कुछ मोबाइल है या दूसरा है। ये मोड ऑफ वेकनिंग अब बहुत सारे हैं, अब वो उसे यूज़ कर सकते हैं जी। लेकिन ये जो हमारा
MMI है, ये हो सकता है आप इसको पहली बार सुन रहे हो, मल्टी माइंड इंटेलिजेंसी है ये, इट इज़ आई हैव यूज्ड एंड आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग इट, MMI मल्टी माइंड इंटेलिजेंसी, MMI, यस, जैसे AI होता है जी, उसको सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस, है ना, लेकिन इसको बहुत कम लोग समझते हैं क्योंकि ये निचोड़ है, द्वंद यहीं से पैदा होता है, कन्फ्यूज़न भी इसी की बाय प्रोडक्ट है। तो उसने रख दिया, दोनों सुबह उठे, पति उठा तो ही वॉज मोर सरप्राइज्ड, उसने चिट देखी, उसने कहा ये तो कमाल है, ये रिश्ते हैं जो माइंड से नहीं दिल से चलने चाहिए। मैंने फिर बताया कि इसमें चालाकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा जिस बात से इत्तफाक रखता हूँ वो ये है कि पति थोड़ी सी चालाकी यूज़ कर रहा था, वो ये तो चाहता था कि उससे मैं बोलना शुरू करूँ, लेकिन पहल नहीं करना चाहता था। अच्छा, मैं जोर दे के इस बात को कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी के रिश्तों में, वैसे तो किसी भी रिश्ते में चालाकी नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी फेयर होनी चाहिए। अरे जैसे पिता है, पिता से कोई नाराज़गी हुई तो क्या है, जाके पैर छू और कहो पापा माफ़ कर दो, वो एक सेकंड में माफ़ कर देगा। इतनी बड़ी दुनिया थोड़ी ना है, अगर पापा को लग रहा है कि बेटा दो दिन से परेशान है तो उसको सीधा बुलाओ, उसको वो जो है ना उसका माथा चूमेर कहे बेटा कोई बात नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या दुनिया चलती है क्या? जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में, मैंने इसके ऊपर एक बहुत सारी चीज़ों को तैयार किया है, और वो ये है कि जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं ना, वो डिग्री तो बड़ी देती हैं, लेकिन उन्हीं डिग्रियों की आड़ में जो चालाकी होती है ना, वो हम खुद पैदा करते हैं, ये उनकी पैदावार नहीं है, ये हमारे माइंड की पैदावार है। इससे जितना हमें हो उससे बचना चाहिए, खास तौर से फैमिली में। वैसे तो चालाकी इज़ नन ऑफ यूज़, मैंने बहुत पहले अपने पिछले वीडियो में ये कहा था चोरी से ज्ञान नहीं मिलता, और आज मैं ये बता रहा हूँ कि चालाकी से कभी तरक्की नहीं होती, किसी की भी नहीं हो सकती। बड़ी अच्छा लगा, पति पत्नी का नोक झोंक थी ख़त्म हो गई, उनको समझ में आ गया, छोटी सी बात थी, दोनों की समझ में आ गया। दोनों दूसरे दिन जब मिले तो दोनों मुस्कुरा रहे थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे, वो उसकी मुस्कुराहट को समझ रही थी, वो उसके मुस्कुराहट को वो समझ रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, दोनों ही बराबर है, एक दूसरे को जो है ना मिले बड़े प्यार से, और उन्होंने कहा यस, अब हम ये समझ गए कि प्यार प्यार होता है, इसको रोज़ महसूस करना चाहिए। आज हम सिर्फ एक ही रिश्ते को ले रहे हैं, अगले वीडियो में मेरा ये भी आने वाला है कि बच्चे क्यों नहीं सुनते, या बच्चों की, यंग जनरेशन्स की, इस नई पीढ़ी की अपने पेरेंट्स से क्या अपेक्षाएं हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस हमारे पास जल्दी से जल्दी पहुंचे ना, तो सब्सक्राइब करो हमें, खुशियां आपके आसपास नाचेंगी, रिश्तों की गहन जानकारी आपके पास होगी। आप, हमने जीवन को जिया है, ये उधार का ज्ञान नहीं है, ये जो सारी बातें हैं, खुद जिसे कहते हैं कि अगर आप तैरना सीखना चाहते हो ना तो कपड़े उतारने पड़ेंगे, हम जीवन के पूरे भंवर में से तैर के वापिस आए हैं, उसमें से निकल के आए हैं। कोई बात जो तुम्हें ठीक लगे उसको एक्सेप्ट कर लो, जो ठीक नहीं लगे उसको जाने दो, और अपनी एक नई राह बनाओ और उसके ऊपर चलो। 7 वंडर्स का नाम तुमने सुना होगा, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यस, जिसमें ताजमहल भी आता है। हाँ, जिसमें ताजमहल भी आता है। अच्छा, और मुझे लगता है 8वें की खोज में भी हो तुम कि 8वां कौन सा होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो आज की जो पीढ़ी है ना, वो 8वें की खोज कर रही है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक नटशेल में बता दूँ, पति पत्नी का रिश्ता, फिर बता रहा हूँ, पति पत्नी का रिश्ता मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी 7 वंडर्स। अगर आप गहराई से इसको समझोगे तो तुम्हें लगेगा कि जो मैं 7 वंडर्स बाहर देख रहा हूँ, बाहर ढूंढ रहा हूँ, वो तो मेरे पास है। उसकी कदर करनी सीखो, उसको जीना सीखो,
तो तुम्हें लगेगा जिन खुशियों के लिए हम बाहर भटकते थे वो तो हमारे घर में है, हमारे परिवार में है। बहुत जल्दी फिर तुम उसका एंजॉय करोगे। एक बात और बहुत छोटी सी है, मैंने जीवन में मेडिटेशन खूब किया है और सारी चीज़ समझी है। तुम भी मेरे बेटे हो, मेरे जीवन को तुमने बहुत नज़दीक से देखा है। गंभीर चीज़ों को अगर समझना चाहते हो तो एक त्रैटक क्रिया होती है, जैसे एक मेडिटेशन होता है, एक त्रैटक क्रिया होती है जिसमें जैसे एक कैंडल जल रही होती है तो उसके राइट लॉ पे बस उस लॉ पे करिए, या जहाँ लॉ भी नहीं है ना तो कोई एक बिंदु रखिए, अच्छा उसके ऊपर अपनी नज़रें डालिए, तो आपको लगेगा कि उस बिंदु में आपको पूरा ब्रह्मांड नज़र आएगा। बस तो मेरा कहना यही है, कभी पत्नी को सामने बिठाइए उसको देखिए, कभी पत्नी को चाहिए कि अपने पति को सामने बिठाएं, दोनों खूब एक दूसरे को देखें भाई, घंटों देखो जब तक तुम्हारा जी आए जब तक देखिए। लेकिन वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो तुम्हारी रिश्ते की जो खूबसूरती है उसके बाद जो निखरेगी तुम दंग रह जाओगे, और जिस कमाई के तुम पीछे पड़े हुए हो ना वो ऊपर से बरसेगी, जिसे बोलते हैं ना छप्पर फाड़ के। उस परिवार में कैसे धन आता है जहाँ रिश्तों की खूबसूरती बनी रहती है, छप्पर फाड़ के धन आता है। एक बार लक्ष्मी जी ने आके कहा कि सेठ जी अब मैं आपके यहाँ नहीं रहना चाहती। लक्ष्मी जी ने कहा सेठ जी को? हाँ, कि अब मैं आपके यहाँ नहीं रहना चाहती। लक्ष्मी जी कौन है, सेठ जी कौन है? मतलब सेठ जी कोई भी एक सेठ हो सकता है। अच्छा। लक्ष्मी जी जो धन की देवी होती है। अच्छा। और सेठ ने बड़ी मेहनत करके एक बड़ा साम्राज्य अपना बढ़ाया था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं लेकिन मुझे एक दो दिन का समय दो आप। उन्होंने कहा नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं एक दिन का समय दे सकती हूँ, और वो भी इसलिए कि पूरे जो आपका है, जो जीवन मैंने देखा है वो बड़ा अच्छा रहा है, लेकिन कुछ भाग्य की रेखाएँ ऐसी हैं कि अब मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, लक्ष्मी जी ने सेठ जी को कह दिया कि हाँ, मैं जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन उसने कहा कि उस समय एक वरदान है जो तुम मांग सकते हो, एक इच्छा है वो जो तुम्हारी मैं पूरी करके जाऊंगी। अच्छा, लास्ट लास्ट ओके, ये बड़ी बात है। लास्ट इच्छा तो पता नहीं कहाँ कहाँ पूछी जाती है। मरने वाले से भी पूछा जाता है कि क्या आखिरी ख्वाहिश है। हाँ एग्जैक्टली। चलो इसके ऊपर हम फिर कभी एक बार डिस्कस करेंगे कि मृत्यु क्या होती है और जन्म क्या होता है। मैंने अपने एक वीडियो में ये भी बताया है कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्हें इस बात का पता लगा चुके हैं वो, या हैं वो कि जिस चीज़ का आरंभ और अंत नहीं पता तो मिडल नहीं निकाल सकते, वो बीच नहीं पता कर सकते। तो लाइफ, हमारा जो जीवन है उसकी मृत्यु और जन्म, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले भेजा हुआ है, और हम आगे भी कभी इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप वो स्टोरी बता रहे थे ना, लक्ष्मी जी जाने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछ रही थी। हाँ सेठ जी, जैसे अब मैं चुप हो गया और आपको लगा कि उसमें आगे क्या रहा है, वैसे ही सेठ भी चुपचाप होके बैठ गया। अब वो ये सोच रहा था कि धन तो मेरे पास एक दिन का ही है, अब मुझे क्या करना चाहिए, और एक वरदान भी है जो मैं मांग सकता हूँ। घर गया, बड़ा था, माँ बाप थे नहीं, पत्नी थी। पत्नी से पूछा कि ऐसे ऐसे आज कोई बात हुई है लक्ष्मी जी से, मुझे क्या करना चाहिए। पत्नी ने उन्हें कहा कि करना क्या चाहिए, सिर्फ ये मांग लो कि भाई हम दोनों ठीक रहें, बच्चे तो मौज कर ही रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ वैसे फिजिकली ठीक रहे। हाँ, हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, बच्चे हमारे सब ठीक हैं, और थोड़ा सा धन भी मांग लेना, भी इतना धन जरूर हो परिवार के साथ। अच्छा, क्योंकि वरदान है वो तो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। फिर भी उसने कहा नहीं, ऐसा है देखो, बच्चों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। कहती है हाँ, ये बात तो मैं, मेरी भी समझ में आ गई कि बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं, हमें छोड़ो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए मांग लो। ये पत्नी ने उससे सहमति की। उसने ऐसे ही करके अपनी जो बड़ी पुत्रवधु था उससे पूछा, बेटे से पूछा। परिवार में चार बेटे थे, चार पुत्रवधु में थी, सबसे पूछा, सबने कोई ना कोई उसको एक सलाह दी। सेठ जी को कोई सलाह, जची कोई नहीं जची।
लेकिन जो एक अभी छोटी पत्नी जो बच्चे की थी, छोटे बेटे की जो पुत्रवधु थी, जो अभी अभी इस परिवार में आई थी, जिससे एक बार वो नहीं भी चाहता था कि उससे कोई पूछा जाए, क्योंकि अभी उसको समझ ही कितनी है, लेकिन फिर भी उसने पूछा नहीं, अब वो हमारे परिवार की हिस्सा है, तो एक मिनट में उससे भी पूछ लेता हूँ। उसने भी पूछा कि बेटा एक अभी तुम आई हो और तुम्हें लगेगा कि हमारा धन धान्य सारा ख़त्म होने वाला है, और मुझे ना बड़ी एक चिंता सी हो रही है कि ये मैं तुमसे कैसे डिस्कस करूँ और क्या पूछूँ। तो उन्होंने कहा नहीं पापा, खुल के बात करिए, क्या है, मैं भी एक जिस परिवार से आई हूँ उसमें बहुत सारे संस्कार हमें दिए हुए हैं, जीवन को समझा हुआ है अच्छी तरीके से। सेठ को तसल्ली हुई, उसने कहा बेटी ये बात है और अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा बस पिताजी, इतनी सी बात पे परेशान हो, आप उन्हें कहो लक्ष्मी जी जब जी माए जब चले जाओ। अच्छा। बस एक चीज़ है, हमारे परिवार में मनमुटाव ना हो, हमारा जो आपसी जिसे बोलते हैं ना डेडिकेशन, बंधुत्व, फैमिली का जो कोऑर्डिनेशन है सारा, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो इकट्ठा बना रहे, आपस में प्रेम रहे। एग्जैक्टली। बेशक से लक्ष्मी इतनी ना आप तो हमें हम जहाँ वो कहते हैं ना कि अगर आपस में एका है, एका बोलते हैं इसको, जिसमें सारी चीज़ मिक्स हो जाती हैं, प्रेम भी है और भी चीज़ है, दुख दर्द सहने की क्षमता भी है, ये बहुत एक वाइडर सेंस है इसकी कि जब मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, इसका मतलब ये माना जाता है। सेठ भौचक्का रह गया और उसे जो अंदर से खुशी हुई, उस रात वो कितनी बढ़िया नींद में सोया है कि पूछो मैं। सुबह लक्ष्मी जी जैसे ही आई, उन्होंने कहा कि सेठ जी आप बताइए, कहते हैं जी ठीक है, आप बड़ा अच्छा लगा हमें कि आपने हमें ये दिया और ये नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस ये है कि हमारे परिवार में कोई एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना हो, एक दूसरे को, जिसे हम एक लाइन में अगर कहें कि हमारे परिवार में एकता बनी रहे हर हाल में, और आप जब चाहें जा सकते। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराई और बोली सेठ जी अब मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा। मेरा तो बर्बाद करने का पहला एक ही तरीका होता है, बस उनकी एकता को खंडित करना। ओ, अब सेठ जी को समझ में आ रहा था कि ये पॉलिटिशियन क्या करते हैं। वाओ, उसे पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स एक लाइन में समझ में आ गई, लेकिन वो खुश था कि इस पूरे, जिसे हम एपिसोड भी कह सकते हैं, सेठ जी का परिवार युगों युगों तक, जिसे हम कहते हैं ना कि लंबे समय तक उसने वो साम्राज्य क्रिएट किया वहाँ, भाईचारे की वो मिसाल क्रिएट करी कि उसे हम आज भी याद रखते हैं। जिस दिन सेठ जी के प्राण निकले, उसने अपने सारे बेटों को बुला के एक बात कही, बेटा मैंने जो जीवन समझा है ना, उसे तुम भी समझ लो, इस दुनिया में रिश्तों से बढ़ के कुछ नहीं होता, भाई से बढ़ के कुछ नहीं होता, बहन से बढ़ के कुछ नहीं होता, पत्नी से बढ़ के कुछ नहीं होता, पुत्र से बढ़ के कुछ नहीं होता, पुत्री से बढ़ के कुछ नहीं होता, इन सब के बाद जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वो मिटता है। और उसने अपनी आँखें बड़े संतोष के साथ बंद कर ली। बस आज मेरी सारी शुभकामनाएं, मेरा सारा आशीर्वाद आपके साथ, सारे व्यूवर्स के साथ जी। अगर आपको लगता है कि हमें हमारे परिवार में खुशियां बरसती रहे, धन बरसता रहे, भाईचारा हमारा बना रहे, एक दूसरे के हम दुख सुख में काम आएं, बड़ी से बड़ी कठिनाई को हम हंसते हंसते पार करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अपनी कोई भी परेशानी आप हमें डायरेक्ट लिंक में भेज सकते हो, हम बहुत जल्दी एक लाइव टेलीकास्ट भी करने वाले हैं। थैंक्स सो मच, धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जो भी हम इस वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा, और अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं
तो आप कमेंट्स में लिखिए और हम सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाएंगे और एग्जैक्टली हाँ, और अगर क्वेश्चंस अच्छे खासे हमारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको एक लाइव सेशन भी हम क्रिएट करेंगे जल्दी ही। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, ऐसा क्या फास्ट प्रोग्रेस करने का उनके पास कोई मंत्र हो सकता है कि वो टॉप 500 में सोमवार हो जाएं। थैंक यू। चलिए आज के लिए इतने ही। थैंक यू। थैंक सो मच।